अस्सलामुअलैकुम एंड वी आर राइटिंग फॉर इंस्टाग्राम राइट नाउ। अब पिछली दफ़ा हमने बात की फेसबुक की, अब हम बात करें इंस्टाग्राम की। अब इंस्टाग्राम की क्यों बात हो रही है? एक्चुअली इंस्टाग्राम जो है वो बहुत एक ग्रोइंग मीडियम है, ख़ास तौर पे लाइफस्टाइल और फैशन के लिए। ट्रैवल, फैशन, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स हैं, लोग तस्वीरें खींचते हैं या वीडियोस बनाते हैं। और अब तो खैर एक और फॉर्म बूमरैंग्स का भी है और छोटे छोटे अजीब अजीब चीज़ें भी और भी आती चली जा रही हैं। इंस्टा स्टोरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो बंदे को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसमें राइटिंग कहाँ गई। एक्चुअली इंस्टाग्राम में आप पॉपुलर तब होते हैं जब आप अच्छा लिखते हैं और अच्छा स्टेटस लिखते हैं, अच्छे हैशटैगिंग करते हैं, अच्छे इमोजीज़ डालते हैं, वो हम आगे बात करेंगे उसकी। तब जाके आपका इंस्टाग्राम पॉपुलर होता है। अब इसमें पॉपुलर होने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली जब ब्रांड्स के लिए आप काम करते हैं या पर्सनालिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल या इंस्टाग्राम से अगर ताल्लुक़ है तो उस पर आपको पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है। अब फेसबुक पे तो बहुत सारे शॉर्टकट से आपने पैसे दिए और पॉपुलर हो गए। इंस्टाग्राम में भी अब स्पॉन्सरशिप आ गई है, मगर इंस्टाग्राम एक ऐसी मज़े का प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ऑर्गेनिकली भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो इट इज़ राइटिंग गुड इंस्टाग्राम कैप्शंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कुड बी द की टू यू हैविंग योर पोस्ट सीन बाय मोस्ट पीपल। यानी कि जो आपने लिखा है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना है तो आपको अच्छा लिखना, उसका जो टॉप टेक्स्ट है या जो उसका कैप्शन जो जाता है साथ में, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक अच्छा कैप्शन होता है वो पर्सनैलिटी देता है, इंस्पायर करता है लोगों को कि वो कोई एक एक्शन लें, लाइक करें, शेयर करें या उस जाके कोई चीज़ ख़रीदें। वो हर किस्म की जो शेप एंड साइज़ है उसमें इंस्टाग्राम का एक पोस्ट आता है। वो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, मगर कोई मतलब इट कैन बी एज लॉन्ग एज 2200 कैरेक्टर्स विच इज़ क्वाइट अ लॉट। क्या मतलब आपका जो ट्विटर है वो तो 160 कैरेक्टर्स होता है सिर्फ, तो जो इंस्टाग्राम है वो एक लंबी टेक्स्ट हो सकती है, मगर उसमें आपके हैशटैग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इट यूजेज़ अ कॉल टू एक्शन विद वर्ड एक्शंस लाइक आप जो लफ्ज़ प्रेफरेबली इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक्शन के लिए, वो है स्टार्ट, स्टॉप, बिल्ड, डिस्कवर, लर्न, जॉइन, या जो हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करें तो इंस्टाग्राम में बहुत फ़ायदा होता है। इमोजीज़ यानी कि वो जो स्माइली फेसेस, सैड फेसेस, इस तरह के, वो जो आपके पास बहुत सारे आइकॉन्स भी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, अब तो वास्ट वैरायटी है इमोजीज़ की जो अवेलेबल है। वो अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी बहुत इंगेजमेंट आती है, लोग बहुत नोटिस करते हैं, दे लाइक दोज, एक मज़े की उनको फ़न चीज़ होती है। आप इमोजीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक्शन भी करवा सकते हैं कि आप उनसे कहें कि जी पॉइंटिंग अप, यानी कि जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप पॉइंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जी इसको फॉलो करें या और भी लाइक करें। इस तरह की बहुत सारे इमोजीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लर्निंग हाउ टू इनकॉर्पोरेट इमेज एंड वर्ड्स इन योर caption is the art behind Instagram. It's a lot of fun, very creative way of writing. It's a challenge for those who find it a bit hard to be fun and casual in their writing, but it is a vast field, यानी कि बहुत ज़्यादा मौके देता है ये ऐसे लोगों के लिए जो कि बड़े creative होते हैं, बड़े मज़े में लिखते हैं और energy होती है उनके अंदर, और वो जब इंस्टाग्राम का कैप्शन लिखते हैं तो दे डू रियली वेल। एक और चीज़ जो हम डालते हैं वो है मेंशंस, यानी कि वो ऐट का निशान लगा के हम किसी को टैग कर देते हैं या मेंशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके पास वो पोस्ट पहुंच जाती है। उससे क्या होता है कि ना सिर्फ आपके पेज के फॉलोअर्स देख रहे होते हैं आपको, बल्कि उनके पेज के फॉलोअर्स भी आपको देख रहे होते हैं। तो आप कैप्शन के ज़रिए ना सिर्फ आप अंग्रेज़ी लिख रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उस तस्वीर के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट आप एक एक्शन को कंपेल कर रहे होते हैं और साथ में आप कोशिश करें कि जितने जितने लोग आपके देखें इस पोस्ट को, वो ज़रूरी होता है। ये एक बहुत मुश्किल काम है अगर इसको सोच के समझ के किया जाए, और इसको हमें इसी तरह करना है ताकि हम इन प्लेटफॉर्म्स का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए। अब मैं ये क्यों बात कर रही हूँ? मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ बात ये नहीं करें कि आप अपना पर्सनल इंस्टाग्राम कैसे चला रहे हैं, बल्कि हम बात ये कर रहे हैं कि आप जब दूसरों के लिए इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपने कैसे लिखना है उनके लिए और कैसे उसको चलाना है। हैशटैग्स हैशटैग्स हैशटैग हैशटैग्स इंस्टाग्राम में ख़ास तौर पे, फेसबुक भी अब हैशटैग्स बड़ा सैवी हो गया है, ट्विटर हमेशा से था, मगर जितना काम हैशटैग जो है वो इंस्टाग्राम पे करता है शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म पे करता हो। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कैटेगराइजेज, इट सॉर्ट ऑफ यूजेज। अब वो करता ये है कि जो आपके रेलिवेंट हैशटैग से लोग सर्च करते हैं। अब आपने लिखा जी हैशटैग कराची, तो जितने कराची की पोस्ट हैं जिन पे हैशटैग कराची हुआ वो सारी ऊपर आ जाएंगी। तो अगर आपका कराची के बारे में तो एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो हैशटैगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट इज़ वेल। मगर जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं आप वो भी इस्तेमाल करें ताकि आप उनके लिस्ट में आ जाएं, और अपने भी हैशटैग्स बनाएं। यू शुड हैव अ हैशटैग विच इज़ पर्टिकुलर टू योर सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम PIA की बात करें तो हैशटैग PIA ये आप डाल सकते हैं, या अगर हम कोको कोला की बात करें तो हम कहें हैशटैग कोको कोला। आपने बहुत देखा होगा हैशटैग कोक स्टूडियो, यानी कि वो उनका अपना है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। उन्होंने उस हैशटैग को पॉपुलर बना दिया है और वो सारे लोग जो है उनकी ट्रैफिक से भी फ़ायदा उठाते हैं जब वो हैशटैग कोक स्टूडियो इस्तेमाल करते हैं। कीप इट क्लीन। आई नो इतनी हमने बातें की हैं कि इमोजीज़ भी डालने हैं, टेक्स्ट भी डालना है, हैशटैग भी डालना है, खिचड़ी सी बनती चली जा रही है। मगर आर्ट यही है, चैलेंज यही है कि आपने अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन को क्लीन रखना है। इट शुड रीड वेरी नाइसली। अब थोड़े से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इसको हम बड़ा करते हैं, ये बिल्ली है बिस्तर पे, इसका उन्होंने हैशटैग डाला है कैस्पर। द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट गेटिंग आउट ऑफ बेड इज़ एवरीथिंग, और साथ में उन्होंने एक इमोजी भी डाल दी है। और इसके हमने देखा 800 लाइक्स थे, 13 कमेंट्स। अब ये एक और हमारे पास है, इट्स अबाउट न्यू टेरिटरीज़, उनका अपना ये पोस्ट है, 3000+ इनके लाइक्स हैं। हैप्पी फ्राइडे, आइसक्रीम गिव अवे विल बी एट स्टोनहेंज NYC कंटिन्यूज़, यानी कि गिव अवे वो दे रहे एवरी फ्राइडे। Today is the last giveaway and I'll be selecting winners to all 3 giveaways tonight. It's officially ice cream weather in NY, so I'm partnering with Stonehenge to give away a summer of free ice cream from 3 of my favorite ice cream spots. When you can't decide between ice cream and milkshake, you can get both. ठीक है जी, one lucky winner will win a $100 gift card, so you can indulge in these yummy creations all summer long. और फिर उन्होंने तरीका बता दिया कि आप कैसे करते हैं। एंड देन इफ़ यू सी इनकी जो हैशटैग्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं। अब हैशटैग्स में आप अगर इंस्टाग्राम में बहुत सारे हैशटैग्स इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फॉलोअर्स मिलते हैं, बट ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि उनका कोई ताल्लुक ना हो। तो इंस्टा लाइक है, इंस्टा फॉलो है, फूडी है, आइसक्रीम है, ये सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह लिखा हुआ। ये एक और पोस्ट हम देखते हैं, ये पार्कलैंड MFG का है, और यहाँ लिखते हैं वेट वेयर डिड योर बैकपैक गो, क्लासिक कैमो ऑन द पार्कलैंड विंटेज वॉर्न बाय, जो उनका स्टार है उसको उन्होंने टैग किया, एंड शॉट बाय बैग्स फ्रॉम बॉटल्स। सही है। तो उन्होंने जी ये उन्होंने बैकपैक बता दिया कि ये बैकपैक को का इश्तिहार है। तो एज़ यू कैन सी इट इज़ फन, इट्स कैजुअल, इट्स नॉट वेरी फॉर्मल इन द वे दैट वी राइट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। ये अब हमारे पास इमेज है, अब हमें इसको एक इंस्टाग्राम का वी हैव टू गिव इट कैप्शन। तो अब हम देखते हैं कि जी इसको हम क्या कैप्शन दें। दिस लॉट्स ऑफ बर्गर्स, आपके पास मिल्क शेक्स और कोक है, और आपके पास डोनट्स हैं। तो दिस लुक्स लाइक फास्ट, इसको हैशटैग कर दें फास्ट food, heaven for those who know happiness lies in food. ठीक है जी, फास्ट फूड हेवन फॉर दोज हु नो हैप्पीनेस लाइज इन फूड। अब हमने ये इसको कैप्शन दे दिया। अब यहाँ पे हम ख़त्म कर दें नहीं जी हम क्यों ख़त्म करें, यहाँ पे हम एक इमोजी डाल देंगे बर्गर की, एक इमोजी डाल देंगे मिल्क शेक की, एक इमोजी डाल देंगे डोनट की, फिर उसके बाद हम हैशटैग्स और बहुत सारे डालेंगे। वी विल से फूडी, वी विल से इंस्टा फूड and so on and so forth. They say the more the hashtags you use the better. So but however keeping in mind कि 2000 characters के आपके पास space है, उसी हिसाब से आप Instagram लिखिए। Instagram is a fun medium और मज़ा आता है इसके लिए लिखने के लिए। तो जो लोग इस तरह के top text वगैरह या जो captions हैं वो लिख सकते हैं। I really encourage कि वो इसको एक they should try and earn money while writing. बहुत सारे opportunities available हैं, जो companies हैं वो भी freelancers लेते हैं, मगर जो online हैं आपके पास पूरी दुनिया आपके पास मौजूद है। जाइए portals पे, बहुत सारे हैं, Upwork है, Guru है, Freelancer है, बात करते रहते हैं इनके बारे में। वहाँ जाके देखिए कि content writers के लिए किनको ज़रूरत है, bid कीजिए, अपने samples दीजिए and I'm sure that you will have a lot of fun while you earn money.